नाचते गाते अबीर गुलाल उड़ाते श्रद्धालु और चारों ओर बस एक ही गूंज, गणपति बप्पा मोरिया। अगले बरस तो जल्दी आकी गूंज सुनाई दे रही है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। वैसे जिस धूमधाम के साथ आपकी फैमिली गुरु जय मदान अपनी फैमिली के साथ इको फ्रेंडली बप्पा को अपने घर लेकर आई थी, उसी धूमधाम के साथ फैमिली गुरु ने बप्पा का विसर्जन भी किया और वो भी घर के गमले में। गणपति बप्पा मोरी, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरी, अगले बरस तू जल्दी आ। और इस खास मौके पर सभी को राह दिखाने वाली जय मदान ने गणपति विसर्जन से जुड़ी खास टिप्स भी दिए, जिसे फॉलो करने के बाद नदियों को तो प्रदूषण से बचाया ही जा सकता है, साथ ही साथ आपका फायदा भी होगा। आपकी फैमिली गुरु जय मदान आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती है। आपने देखा किस तरीके से गणपति जी आए और फिर उनका विसर्जन हुआ। प्लीज़ आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणपति जी बिल्कुल ना रखें, आप क्ले के रखें। बजाय आप नदी को पोल्यूट करने के या सी को पोल्यूट करने के, अपने घर में उनको रखें, यानी कि आप उनको गमले में विसर्जित करें और साथ साथ उसके अंदर अपनी इच्छाओं के, अपनी खुशियों के, अपनी ग्रैटिट्यूड के बीज बोएं। मैंने तो इस बार धनिया के बीज बोए। ग्रीन कलर गणपति जी का फेवरेट कलर है, तो धनिया हो गया, आप मूंग की दाल हो गई, गुड़हल के फूल इनको बहुत पसंद है, उसका पौधा हो गया। इनमें से कोई भी पौधा लगाइए, लेकिन नदियों को पल्यूट नहीं करिए, इस बात का खास ख्याल रखिए। इससे गणपति जी भी खुश रहेंगे, आप भी और हमारी मदर अर्थ भी। प्लीज़ इसका ध्यान रखिए।